ईश्वर की बात मानना, भव
मोहब्बत प्राप्ति करने के लिए मंदिर में जाके ईश्वर की बातें सुनना, शस्त्र मनन करना, सत्संग कीर्तन भजन सुनना और करना, ये सभी ईश्वर के प्रति आस्था से ही आपकी बुद्धि निश्चल होती है। जिस ज्ञान के जानने से अति सुंदर अविनाशी पुरुष प्राप्त होता है, ऐसे ज्ञान को जो पावे है उसकी बात सुन। हे परम तप अर्जुन, जो ऐसे ज्ञान को नहीं जानते वे प्राणी मुझे नहीं पाते, जिनका मेरी तरफ ध्यान ही नहीं। देखिए भगवान शंकर जो हैं, आप जैसा उससे मांगेंगे वैसा ही आपको देंगे। अगर उससे शंकर जी को ही मांग लोगे तो आपके हो जाएगा। अगर उससे दुनियावी चीजें मांगोगे तो कहोगे ठीक है तेरी इच्छा है ले ले, चाहे अच्छी चीज मांगो चाहे बुरी, लेकिन इतना ध्यान रखो कि बुरी चीज मांगने से उसका फल भोगना पड़े। सात्विक चीज ईश्वर का सन्निध्य मांगने से आपको कोई भी बुरा फल नहीं भोगना पड़ेगा, क्योंकि आप उस जो त्रिगुणातीत है उसके साथ मिलन करने जा रहे हैं। इसलिए जो भी है भगवान शंकर सब कुछ देखते हैं, ऐसी बात नहीं है, जो मर्जी मांगो, लेकिन उसका साथ साथ में कर्म भोगना पड़ेगा। सात्विक मांगोगे तो सुखी रहोगे, अगर दुनियावी चीज जिसमें आपका कोई स्वार्थ छुपा है तो उसका साथ साथ में भोग भोगना पड़ेगा। वो शंकर भगवान की श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। शंकर भगवान की जय। कहता वो प्राणी मुझे नहीं पाते जो ऐसे ज्ञान को नहीं समझते, बार बार संसार में जमते हैं। अब और अर्जुन सुन, जिस ज्ञान के पीछे महिमा कही है तो सुनो। हे अर्जुन, मेरा जो अव्यक्त स्वरूप है इससे सारा जगत प्रकट हुआ है। अव्यक्त का मतलब जो संसार में व्यक्त नहीं है। आप पिता और माता के संयोग से पैदा हुए हैं, ये उसका अव्यक्त स्वरूप है। पैदा उसी के कारण हुए हैं, उसी ने आपको किया है, उन्हीं की ही ड्यूटी है, लेकिन विधि के विधान द्वारा आप पैदा हुए। मेरा जो अव्यक्त स्वरूप है इससे सारा जगत ही प्रकट हुआ है। दूसरा जो मेरा विराट स्वरूप है इस पर ब्रह्मा आदि से लेकर चींटी पर्यंत जो लोग बसे हैं वो किस विराट पर लोग बसे हैं सुनो। जैसे एक बड़े वृक्ष पर असंख्य पक्षी बसते हैं, जैसे हम सारा संसार हैं और भगवान विष्णु एक वृक्ष है बहुत बड़ा, उसके ऊपर हम सभी बस रहे हैं, उसके अंदर ही सारा हमारा वास है और सबके हृदय में आत्मा राम है। तो जितने लोग हैं उनकी जो अंदर आत्मा है वो मेरा रूप है, यानी कि हमने किसको पहचानना है, अपने अंदर जो आत्मा है उसी को ही पहचानना, उसी से ही सारे संसार का पता चलेगा, निरंकार आत्मत्ता का पता चलेगा और यह संसार की माया से कैसे अलग है उसका पता चलेगा। अपने अंदर जो है उसी को आप देखना।
सबके हृदय में आत्मा राम मैं हूं, एक रूप तेरे रथ पर तेरे साथ अवतक करता हूं। हे अर्जुन, ये मैंने तुझको अपनी प्रभुता ही बढ़ाई ईश्वरीय युग कहा। जग के भरण पोषण हरा भी मैं, संसार को जो वनस्पति तरह तरह के खान पान मैं ही प्रदान करता हूं। प्रकृति द्वारा ये जो अनाज उगता है ये भगवान विष्णु ही करते हैं। खान पान का अरेंज आपके लिए भगवान विष्णु ही करते हैं। सबसे न्यारा भी मैं, सबका उपजावन हारा भी मैं, और निर्लेप कैसा हूं इसका दृष्टांत सुनो। कैसे मैं निर्लेप हूं, जैसे नित्य पवन का निवास आकाश में रहता है और आकाश का स्पर्श नहीं करता, तैसे सभी भूत प्राणी मेरे से ही पैदा हुए हैं, मेरे में ही रहते हैं और मैं ही सबके भीतर रहता हूं और सबसे न्यारा हूं। ऐसा निर्लेप हूं हे कुंती नंदन, जब ये संसार अपनी मर्यादा पर पहुंचता है तब संसार परले होकर मेरी प्रकृति अर्थात माया में जा लीन होता है। फिर इस माया और संसार का अधीन मैं और फिर संसार को प्रकट करता हूं और अपनी जो प्रकृति माया है जिसमें बार बार संसार को प्रकट पालन को परले करता हूं। ये जो सब भूत प्राणियों का गांव 84 लाख जीव की योनि है ये अपने नहीं माया के बस में है। अब अर्जुन और सुन, मैं संसार को बुझाता हूँ संहार करता हूँ पर कर्म किए लक्षण दोष नहीं लगता, क्योंकि मैं किसी के साथ ममता मोह नहीं रखता। मैं निर्मोही उदासीन हूँ, इन सबसे उदास हूँ, इस कारण से मुझको कोई बंधन नहीं मान सकता। हे कुंती नंदन अर्जुन, मेरी कृपा दृष्टि को पाकर तो निर्लेप न्यारा है। देखिए यहां पर प्रभु की कृपा ईश्वर की दया से आप निर्लेप हो सकते हैं, सबसे अलग हो सकते हैं। और ईश्वर की कृपा कब होती है, जब आप ईश्वर के चरणों में अपना सब कुछ समर्पित करते हो तब ईश्वर की कृपा आपको प्राप्त होती है। अपना मन ईश्वर के चरणों में जब लगाते हो तब आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। हे कुंती नंदन, मेरी कृपा दृष्टि को पाकर तो निर्लेप न्यारा हो रहे, अपने आप को निर्लेप जान। अब अर्जुन और सुन, ये जो मेरी प्रकृति माया जो संसार जड़ जंगल को उपजाती है प्रकट करती है, कहते जो मेरी प्रकृति नेचर जिसे कहते हैं उस माया के अधीन। माया क्या है, फुरना, जो आपके अंदर फुरना फुरता है कि ये मैं ख्वाहिश पूरी करती है, फिर माया के अंदर फंस सकता है। वो कहता है सारा जड़ जंगल को उपजाती है प्रकट करती है। दूसरा प्रकार संसार के बुझाने का तुम मत जान, ऐसा ईश्वर मैं हूं। हे अर्जुन, ये जो मनुष्य देह धारण मैंने की है मूड अति अज्ञानी मुझको समय देंगे। ये कहते मेरी जो देह है मूड अज्ञानी जो मूर्ख है वो मुझे देहधारी समझ रहे हैं। मैं देहधारी नहीं, मैं निराकारी हूं, मैं ईश्वर हूं। ये सिर्फ एक दिखावा मात्र है आप लोगों के लिए, बातचीत करने का ढंग है आप लोगों के साथ। मुझे पहचानते नहीं, श्री कृष्ण जी ऐसे प्रभु हैं सो मेरे सो प्राणी मेरे प्रताप को नहीं जानते कि मैं कैसा हूं। सब भूत प्राणियों का ठाकुर प्रभु हूं। जो पुरुष मुझको नहीं जानते वो क्या फल पाते हैं सो सुन, उनकी आशा सब निष्फल होती है। जो मुझको नहीं जानते पहचानते नहीं वो जो कुछ भी भले कर्म दान पुण्य आदि करते हैं सब निष्फल होते।
फिर कैसे हैं? राक्षसों जैसे जिनके स्वभाव हैं, वह प्रकृति के मोह हुए मुझे नहीं पहचानते। जो भले पुरुष महात्मा भगत जन मेरा भजन करते हैं, वह कैसे? उनकी मनुष्य, उनकी देवताओं जैसे प्रकृति है। देवताओं जैसी प्रकृति किसकी होती है? शंकर भगवान की। जो लोग किसी का दिल नहीं दुखाते, परोपकार करते हैं, सत्संग कीर्तन भजन करते हैं, ईश्वर के चरणों में अपनी श्रद्धा लगाते हैं, उनकी देवताओं जैसी प्रकृति है। मेरा भजन मुझको ये पहचान कर करते हैं कि श्री कृष्ण ही सबके आदि हैं, निरंतर मेरी ही महिमा को गाते पढ़ते हैं, कथा कीर्तन करते हैं, दृढ़ निश्चय से मेरी पूजा करते हैं। दृढ़ निश्चय यानी कि पक्की तरह से पूजा करते हैं, इस प्रकार मेरा भजन करते हैं। दूसरे जो ज्ञानी लोग हैं, जो मेरे भक्त हैं, मुझको किस प्रकार भक्ते हैं तो सुनो। यानी मुझको जानते हैं कि एक परमेश्वर पार ब्रह्म है, अनेक रूप होकर पसरेगा। दूसरा भेद कोई नहीं, एक है, और कहां कहां है वह मुझको जानते हैं। देखिए, जैसे भगवान से आपने कोई प्रार्थना की दिल से कि मुझे इस वस्तु की जरूरत है, और जब आप जाते हो घर तो रास्ते में वो आदमी मिल जाता है, और उससे अपने विचार प्रकट होते हैं, मुझे इस चीज की जरूरत है, तो वो आपकी जरूरत पूरी कर देता है। तो वो भगवान ने की है, भगवान ने ही उसकी आत्मा को प्रेरित करके ये काम किया है। अर्जुन प्रकृति भी नया प्रकृति यज्ञ का नाम, जिनमें कुछ भेद है, स्वभाव और सौदा कचरों से जो कुछ अग्नि में होते हैं तो वचन भी मैं हूं। खीर से आदि लेकर जो अन्न है सो मैं हूँ, यज्ञों में जो मंत्र पढ़ते हैं सो मैं हूँ, विधाता भी मैं हूँ, वेदों में ओंकार भी मैं हूँ, ऋग यजुर्वेद साम से वेद भी मैं, उसका गति करता भी मैं हूँ, सखा भी मैं हूँ, निवास होने की ठहर भी मैं हूँ, और संसार मेरी शरण है। मैं ही सबका मित्र हूँ, सबका परले और उत्पत्ति करता भी मैं ही हूँ, विश्व मेरे में ही मानता है, सब बातों से मैं पूर्ण हूँ, इस काम से इस कारण से मेरा नाम निधि निदान, यानी कि ईश्वर एक पूर्णता लेके मुझे हुए। मनुष्य में कमियां हैं क्योंकि वो माया के अंदर जकड़ा हुआ है, हालांकि देवताओं की भी ख्वाहिशें होती हैं, वो देवलोक से फिर अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मातृलोक में आते हैं। सर्व का अविनाशी भी सबका, सबके अंदर जो अंतर्मात्मा है वो अविनाशी है, उसका बीज उत्पत्ति करता है। सूरज होकर मैं ही तपता हूं, परले होकर परले भी मैं ही करता हूं, मैंने ही देवता अमर किए थे, मनुष्य आदि से लेकर सब शरीरों को मैंने ही मृत्यु लगाई है। यानी कि तराजू ईश्वर के हाथ है, कर्म हमारे हाथ, हम अपनी मन और बुद्धि से कर्म करते हैं तो ईश्वर उसका उसी पर कर्म फल दे देते हैं। जो प्राणी मुझको इस विधि से पूजते हैं तिनके पाप नाशन करते हैं। जो प्राणी यज्ञ करके स्वर्ग पाने की कामना करते हैं वे अपने पुण्य की मर्यादा तक स्वर्ग में दिव्य भोग भोग कर अपने क्षीण होने पर स्वर्ग से गिरते हैं। यानी देवता भी अपनी मनोकामना पूरी करके फिर नीचे अपनी मृत्यु, फिर मनुष्य लोक में जन्म पाते हैं।
जो इस प्रकार स्वर्ग की कामना के त्रिविध यज्ञ करते हैं सो स्वर्ग के सुख भोगते हैं। पुण्य भोगकर वहां से गिरकर फिर गर्भ में आते हैं, बहुत दुख पाते हैं और ये बात नीचे है कि कामना वाले को सुख नहीं। अब अर्जुन मेरे भक्तों की बात सुनो, गुरुशंकर भगवान की सियावर राम जय जय राम जय जय राम प्रभु राम जय जय राम प्रभु मेरे भक्त मन का निश्चित चेता मेरे में रखकर श्वास श्वास मेरा सिमरन करते हैं। तिल के कल्याण में तो मैं चारों ओर सावधान होकर फिरता रहता हूं। इस प्रकार जैसे धन भक्त के मनुष्य के घर के चारों तरफ चौकीदार मेरा देखता है, हे अर्जुन तू मेरा भक्त है इसलिए मैं तेरी देह की रक्षा करता हूं। सो देख सावधान होकर तेरे रथ की रक्षा करता हूं, अपनी दिव्य महिमा कहकर तेरे मन को अपने साथ दृढ़ करता हूं और परम प्रीति के साथ तेरे रथ के घोड़े हांकता हूं। मैं ऐसे भक्तों के साथ प्रीति करता हूं, हे कुंती नंदन मैं जैसा हूं तेरे अधीन हूं ऐसा और किसी के साथ। हे अर्जुन जो मुझको छोड़कर किसी और देवता की प्रीति से उपासना करते हैं सो मेरी ही पूजा करते हैं पर भूल कर करते हैं, क्योंकि हे अर्जुन सर्व यज्ञ भोक्ता मैं हूं, सर्व यज्ञों का प्रभु। जो मुझको ऐसा प्रभु ईश्वर नहीं जानते वे जमते मरते। जो प्राणी पितरों के उपासक है वो पितर लोक में जा प्राप्त करते। जो कोई मनुष्य पितृता का उपासक है वो देव, और जो मुझ पार ब्रह्म का उपासक है स्पष्ट लिखा है कि मेरे को ही तू सब कुछ जान वो मुझे आता है। हे अर्जुन मैं शालिग्राम हूं, मेरी पहचान की प्रतिभा को धातु की जैसे चतुर्भुजी लक्ष्मी नारायण मुकुंड में विराजते हैं सो इनमें मेरी भक्त प्रीति साथ पत्र जल समर्पित करते हैं अपने भक्तों का दिया हुआ प्रीति के साथ। जो भी मुझे कुछ ऐसा समर्पित करता है जिस भाव से मैं उसे वैसे ही भाव से उसका भोग जो भोजन करता हुआ पहले अग्नि में होंगे सो सब मेरे में समर्पण कर इनका फल क्या मिलता है। संसार के सब भले बुरे कर्मों का फल दुख सुख के बंधन को काट देता है। ये अर्जुन मैं सब भूत प्राणियों के साथ एक साथ किसी देवता के भक्त के साथ मोह नहीं, पर जो कोई भक्त मुझे स्मरण करते हैं तैसे ही मैं तिनका स्मरण भजन करता हूं। क्योंकि आत्मा तो एक ही है ना, जैसे जैसे आप भजन करोगे उसकी आत्मा को आत्मा से घटित करती है, पर जो कोई भक्त मुझे स्मरण करते हैं तैसे मैं उनका स्मरण भजन करता हूं। अब अर्जुन और सुन, जो कोई अज्ञानी दुराचारी पापी भी है किसी को मेरी नहीं समझ वो मेरा स्मरण करता है किसी समय आनंद आनंद में आता कि चलो नंद नंद मत्था टेकने अच्छी गल की गई। मेरा स्मरण करता है कृष्ण जी मैं जैसा कैसा हूं आपकी शरण हूं तुम्हारा। अगर फिर से आके कह दे कोई पापी हो ज्ञानी हो दुराचारी हो
दिन से आगे कहते कि आज के बाद मैं अज्ञानी था, मुझे कुछ नहीं पता, मैं आपका हूं, आप मुझे अपनी शरण में लो। हे अर्जुन, जिसको तो साधु कहते, जिस प्राणी ने मेरे साथ नीचे किया जिसको साधु होते क्या लगता है, मेरे भजन के आगे पाप क्या वस्तु है। जैसे लकड़ियों की कोट को एक ओर से अग्नि लगाओ तो एक घड़ी में सब भस्म हो जाती हैं, इस प्रकार मेरे भजन के आगे पाप क्या वस्तु है। कहने का भाव कि जो ईश्वर की शरण में आते हैं उसके सारे पाप काटे जाते हैं। आप जब गुरु की शरण में पहले आते हो तो गुरु शब्द देने से पहले एक ही शब्द कहता है, जब शब्द दे दिया तो कहते हैं आज से तेरे पिछले पाप माफ, आगे से ध्यान से करना। जब गुरु को माफ करने की पूरा ऑर्डर है तो गुरु और भगवान के आगे क्या फर्क है, दोनों में कोई अंतर नहीं, वो भी किसी पावर से कह रहा है। खाली आदमी किसी को कुछ नहीं देता, जो भर भरता होता है वही देता। बोलकर भगवान की इस प्रकार मेरे आगे, मेरे भजन के आगे पाप क्या वस्तु है, तत्काल परमात्मा हो जाता है, शांति पद को प्राप्त होता है। हे कुंती नंदन, जो मुझको पाप योनि होकर के वो सिमरे, कौन पाप योनि वैश्य शुद्ध सो प्राणी की परम गति के अधिकार है। कोई भी कोई जात पात का भेदभाव नहीं, कोई भी मुझे आके सिमरे मैं उसको वैसा ही करूं, तो गुरु लोग भी वैसा ही करते हैं, कोई जात पात का भेदभाव नहीं करते। ये हम और आप लोगों के बीच में है जाति पाति, करना भगवान और गुरु में कोई भी जात पात नहीं, कोई भी गुरु नीचे जान जो मेरे भक्त हैं तिनका नाश नहीं होता। हे अर्जुन, ब्राह्मण का पुण्य जन्म है वो मेरा मुख है और क्षत्रिय मेरी भुजा है, तिनको कृतार्थ होना कुछ आश्चर्य की बात नहीं। किस कारण हे अर्जुन मनुष्य की देह तुझको प्राप्त हुई है, ऐसी देह को पाकर मेरा भजन कर। अब मनुष्य देह का वृतान सुनो, जो कैसा मनुष्य देह है सदा निक्षण मनुष्य है, तत्काल नाश हो जाती है, रोगों का घर हाड मांस आदि अपवित्र वस्तुओं से पूर्ण है, ये तो मनुष्य देह के अवगुण है। गंदगी से भरा हुआ शरीर मनुष्य देह के अवगुण है, मेरा अवगुण भरा शरीर। अब इस देह की बड़ाई सुन, जब जीव भ्रमते भ्रमते मनुष्य देह में आता है तब मेरे जानने का ज्ञान पाता है, मुझे पहचान का मेरा स्मरण करता है, भजन करता है, मेरे भजन के प्रताप से मेरे अविनाशी परमानंद पद में आप प्राप्त होता है। मेरे पद का दाता यह मनुष्य देह ही है, ये इसकी बड़ाई कही है। इस कारण से अर्जुन ये देह तुझे प्राप्त हुई, इसको पाकर मेरा भजन कर और भजन सुन, मुझको नमस्कार कर, इस प्रकार निश्चय कर भजन सुन। पाप ऐसा होए के आए बसे मामलो, मुझ में प्राप्त होए के हर जाना सब शो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसे मेरा भजन स्मरण कर, मेरे साथ ऐसा मिलेगा जैसे पानी के साथ पानी मिल जाता है, इस प्रकार मेरे साथ अभेद हो। ओम नमो नारायण जी को श्रीमद् भगवद गीता सुपनिष्ठ सुख ब्रह्म विद्या याम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे राज विद्या राज योग नाम नौ नौ है। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय।
Oh,